नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। पिछले 40-45 वर्षों में संविधान की नींव कई बार हिली और हम भारत के लोगों को तोड़ने के कई प्रयास किए गए, पर हम लोग की परिभाषा अपरिवर्तित ही रही। कई सरकारें आईं गईं, पर एक समूचे समुदाय को देश की मुख्य धारा से काटने का प्रयास नहीं हुआ। लेकिन आज परिस्थितियां और है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में भारत में देशभक्ति की परिभाषा बदली जा चुकी है। 21वीं शताब्दी का भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा है और इसका श्रेय किसी एक राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता। यह सच है कि मध्य और निम्न मध्य वर्ग के बीच की दूरी घटी है, पर यह भी सच है कि एक बहुत बड़ा उच्च वर्ग खड़ा हुआ है, जो जितना ऊपर उठता है निम्न वर्ग उतना नीचे गिरता है। पर इन सब से अलग एक और बात देखने को मिलती है कि इतनी समृद्धि के बावजूद बढ़ता आंतरिक कलेश, इतना बंटवारा, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना गुस्सा एक अरसे से नहीं दिखा। एक विषाक्त वायु बह रही है, एक गर्म हवा जो सबको लीलती डसती जा रही है। राजधानी दिल्ली का भीषण वायु प्रदूषण मानो सत्ता के सड़ते गलते अंदरूनी प्रदूषण का श्लेष बनकर सामने आया है। वातावरण को विषाक्त करती इस प्रदूषित वायु का सबसे नया उपहार है नागरिकता संशोधन कानून, यानी CAA। बताया जा रहा है कि इसके चलते आस पड़ोस के गिने चुने देश के गिने चुने समुदायों जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शरणार्थी भारत को अपना देश बना सकेंगे। राजधर्म निभाया जाता जब मुस्लिम समाज के प्रताड़ित शरणार्थियों को भी इनमें शामिल कर लिया जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इस शरणार्थी संशोधन अधिनियम को नागरिकता संशोधन अधिनियम बताया गया है और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू भी कर दिया गया। भारतीय संविधान जो विश्व के प्रमुख गणतंत्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड आदि के संविधानों के समकक्ष है, उसके प्रमुख लेखक 20वीं सदी के सबसे महान चिंतकों में से एक डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर दलित समाज में जन्मे। शिक्षा और मनोबल के सहारे देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले बाबा साहब ने भारतीय समुदाय की रूढ़ियों पर लगातार कटाक्ष किए। देश निर्माण के शिखर नेताओं के साथ जिरह करने में कभी कोताही नहीं की और मनुवादी जाति प्रथा के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। अम्बेडकर और उनके समसामयिकों का स्वप्न और संकल्प था कि एक नए देश के निर्माण में सबकी साझा हिस्सेदारी हो, एक नए गणतंत्र के भाग्य विधाताओं में न केवल बहुसंख्यक हिंदू या स्वर्ण बल्कि भारत के करोड़ों दलित और अल्पसंख्यकों समाज से आने वाले मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी व अनेकानेक अन्य धार्मिक और सामाजिक समुदाय में शामिल हों। भारत के मूल निवासी जो आदिकाल से भारत राष्ट्र के निर्माण से कहीं पहले से यहाँ रहते आए हैं, उनकी भी भागीदारी हो ताकि देश किसी भी बपौती या किसी एक वर्ग या संप्रदाय या समुदाय या व्यक्ति विशेष की संपत्ति बनकर ना रह जाए। इस सच्चाई देशभक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ है भारतीय संविधान और उसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है उसकी प्रस्तावना, जो सीधे साधे शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग। इस प्रस्तावना के अंत में लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो हम यानी भारत के समस्त प्रवासी और अप्रवासी नागरिक इस ग्रंथ को तन मन से अपनाते हैं, क्योंकि हम ही इसके लेखक, पाठक और सच्चे सेवक हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए उनके अपने प्रतिनिधि सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे। बदलते सामाजिक परिवेश में यदि संविधान के कुछ नियमों में बदलाव आवश्यक हो, तब भी संविधान के मूलभूत सिद्धांत जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता प्रमुख है। इन पर कोई आँच ना आएगी, ये सिर्फ शब्द नहीं है। पढ़ने बोलने में भले ये शब्द शायद भारी भरकम लगे, पर ये जरूरी है क्योंकि ये एक समूचे राष्ट्र की नींव के पत्थर हैं। ये वो मजबूत और ताकतवर लफ्ज है जिनके आधार पर हम इंसाफ मांगते हैं, जो हम सबको एक नया प्रणाली का हिस्सा बनाता है, हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। इन शब्दों के सही माने हम भारत के लोगों ने कभी समझे हैं और कभी अपना ही नासमझी से खराब भी किए हैं। राजनीति
की आग में अपनी रोटियां सेकते तथा कथित नेताओं ने भारत राष्ट्र के 73 वर्ष इतिहास में इन शब्दों और उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर अक्सर चोट पहुंचाई है। जहां संविधान की नींव भले ही हिली हो और हम भारत के लोगों को तोड़ने के कितने ही प्रयास ना किए गए हों, उस हम लोग की परिभाषा मूलतः अपरिवर्तित ही रही। जहां एक साथ हम नहीं पैदा किए गए, कम से कम खुल्लम खुल्ला नहीं, हालांकि कई सरकारें आई गईं, पर एक समूचे समाज को देश की मुख्यधारा से काटने का प्रयास नहीं हुआ। आज परिस्थितियां और है, देश के युवाओं, देश के भविष्य पर लाठी, कहीं गोली, कहीं आंसू गैस, कहीं गोलियां बरसाई जा रही है। इस कड़ी में जेएनयू के छात्रों पर हिंसा हुई, कुछ अपवाद छोड़े गए हैं, लगभग सभी टीवी चैनल, इंटरनेट और अन्य मीडिया में या तो पुलिस बर्बरता का जिक्र चलता या दंगाइयों का तो प्रदर्शन करने वाली जनता को उपद्रवी दंगाई कहकर पुकारा जा रहा है। क्या सारा देश और कई टुकड़ों में बढ़ चुका है? हिंदू मुसलमान का बंटवारा शायद काफी नहीं था। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का स्थान हिंसात्मक भीड़ लेती है तो किसी का भला नहीं होता, और हिंसा से सभी प्रदर्शनकारियों को भी संलग्न नहीं किया जा सकता। हिंसा को जन्म और उसे तूल देने वाले उन लोगों की होनी चाहिए जो एक बड़े शांति प्रिय आंदोलनों को ओवरटेक करना चाहते हैं। इन दुर्दम्य परिस्थितियों में जहां हमारे संविधान की नींव को एक गहरा झटका लगा है, स्थिरता के सबसे बड़े स्रोत के रूप में हम भारत के लोग सामने आए हैं। ये तो शांतिप्रिय प्रदर्शनकारी हैं जो अहिंसा का सिद्धांत अपनाते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनमें दिल्ली के शाहीनबाग की वो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो कड़कती ठंड में अपने बच्चों के भविष्य के लिए धरने पर बैठी हैं। इनमें जामिया, जेएनयू, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता और देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वे छात्र छात्राएं हैं जो बंटवारे की राजनीति से उकता गए हैं, जो अपने सपने साकार करना चाहते हैं एक शांतिप्रिय देश में, जिन्हें भारत पर बहुत नाज है, जिन्हें मंदिर मस्जिद की राजनीति से कम सारोकार है, जो नौकरियां चाहते हैं, धर्म और जाति के भेदभाव के परे प्यार और शादी करना चाहते हैं। इनमें छोटे कस्बों और शहरों के वे युवक युवतियां शामिल है जो अंग्रेजी जाने या ना जाने, बिना बैंक, UPSC या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां चाहते हैं। इनमें दलित और गरीब तबकों के वे बच्चे और युवा भी शामिल है जो खून की नहीं, वाकई इस देश में दूध और घी और समृद्धि की नदियां बहते देखना चाहते हैं। इस वक्त यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में है या इवेंट मैनेजमेंट मोड में। जो भी हो, पर अब वे साबुन की तरह देशभक्ति को पैकेज में बेचने से पहले सोचेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि कोई इमेज या इवेंट मैनेजमेंट जनता के आगे नहीं टिकता। जब युवा पीढ़ी सामने आती है तो राजनीति में मंझे अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूटने लगते हैं, जो आज सत्तारूढ़ हैं और वे जो कल सत्तारूढ़ होने के सपने देख रहे हैं, वे इस नई पीढ़ी, इस नए इंडिया को नहीं भुला सकते। ये पीढ़ी ब्रांडेड जूतों, कपड़ों और सेलफोन से आगे निकल चुकी है। वे देश का एक नया ब्रांड भी चाहते हैं, एक ऐसा भारत जहां इंसान इंसान के बीच बंटवारे ना हो, जहां बेटियां वाकई सुरक्षित आ जा सके, जहां सरकार अपने कर्तव्यों को समझे, जहां विचारों का मतभेद हिंसा में खत्म ना हो, वाद विवाद चलते रहें, जहां अपने को रातों रात पराया ना बनाया जाए, जहां बाबा साहब के भाव और संविधान का मूल मंत्र राजनीति की चिंता में ना झोंके जाए। 2020 में भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। इस वर्षगांठ में भारत और उसके गणतंत्र के लिए संविधान की शक्ति, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के साथ सभी नागरिकों के लिए सही रूप से मंगलमय हो। P3 न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और वेबसाइट को फॉलो करें। धन्यवाद।